हे गाइस, तो ये है जॉन विक जो किसी और सिटी में आकर अंडरग्राउंड हो चुका है, क्योंकि जॉन विक के बहुत सारे दुश्मन बन गए, क्योंकि अभी अभी जॉन विक ने अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे लोगों को मार दिया। उस वजह से अंडरवर्ल्ड के काफ़ी सारे डॉन जॉन विक को मारने के लिए ढूंढ रहे। तो जॉन विक अभी इस सिटी में रहता है, पर अभी अभी आर्मी वालों का कॉल आया था किसी और एक बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले बंदे को मारना है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसकी डिटेल अभी आर्मी वाले हमें सेंड करने वाले, उसकी डिटेल मिलते हैं हम जाने वाले फिर से हमारे सिटी में वापस और उस डॉन को ख़त्म करने वाले। ठीक है, मुझे लगता है मेरे मोबाइल पे कुछ तो आ चुका है। ओके, तो ये रही उसकी डिटेल। ठीक है, इसको ख़त्म करना है। ओके, तो ये कुछ ज़्यादा ही डेंजर हो गया। ठीक है, तो अभी मैं कॉल करके बोलता हूँ, ओके ओके ठीक है, हम ये काम कर देंगे। तो लेट्स गो गाइस, अभी हम हमारे सिटी में वापस जाने वाले, बट हमारे सिटी में बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि जॉन विक को मारने के लिए वापस सारे लोग बेक करा रहे गाइस, मतलब वेट ही कर रहे हैं जिसे जॉन विक दिखेगा उसको ख़त्म करना है बस। तो चलो कोई बात नहीं, हम किसी से डरते नहीं, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमने काफ़ी सारे लोगों का सफाई कर दिया। जो भी हमें रोकने की कोशिश करेंगे उसको भी ख़त्म कर देंगे। तो ठीक है, क्योंकि हमारी सिटी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी तो मैं सोच रहा हूँ मुझे ट्रेन से भी जाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक से तो इतने दूर नहीं जा सकते, इसलिए मुझे अभी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। इसलिए मुझे सबसे पहले स्टेशन पर जाना पड़ेगा और वहाँ से ट्रेन पकड़ के जाना पड़ेगा सिटी में वापस। तो लेट्स गो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ बिल्कुल से यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे, जो कि एक जंगल में, क्योंकि मैं ये वाला रेलवे स्टेशन पे इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर हमें कोई देखेगा नहीं और यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, कोई भी नहीं देखेगा। ओके गाइस, तो यहाँ से देखो मुझे लगता है ट्रेन आ चुकी है और यही ट्रेन जाने वाली सिटी में। तो ठीक है, ट्रेन जैसे आएंगे हम उसके अंदर बैठ जाएंगे। ओके, तो ट्रेन आ चुकी, इसके अंदर बैठते और अभी सीधे हम जाने वाले सिटी में वापस। तो लेट्स गो गाइस, इस ट्रेन के अंदर अभी मैं बैठ जाता, अभी टाइम तो बहुत सारा लगेगा, क्योंकि सिटी में पहुँचने तक बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी रात हो जाएगी, उसके बाद फिर से दिन निकलेगा, फिर अगले दिन हम शायद पहुँच जाएंगे। ओके गाइस, तो अभी देखो यहाँ पे रात भी हो चुकी है और अभी कुछ ही दिन के बाद, मतलब कुछ ही टाइम के बाद सुबह हो जाएगी, तो उसके बाद भी हम सिटी में ज़रूर पहुँच जाएंगे सुबह तक। ठीक है गाइस, मुझे लगता है सिटी के हम एकदम करीब आ चुके हैं, क्योंकि कुछ ही देर के बाद हम सिटी में पहुँच जाएंगे, शायद से एक दो घंटे के बाद तो पहुँच ही जाएंगे। तब तक मैं प्लान बना लेता हूँ कि मुझे किस तरह से उस बंदे को मारना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा बहुत ही हाई लेवल का बंदा है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसको मारने के लिए मतलब बहुत तगड़ी वाली प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने एक बंदा मेरा सिटी में अंदर है जो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है, वो बंदा मुझे कहाँ मिलेगा और उस बंदे के पास कितनी सिक्योरिटी है या फिर वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन वो बंदा अपने को देगा और जॉन विक आज का मिशन जरूर कंप्लीट करेगा, मुझे पता है। वैसे जॉन विक की जान को बहुत ज़्यादा खतरा जरूर है, सिटी में काफ़ी सारे लोग मारना चाहते हैं, पर कोई बात नहीं। चलो गाइस, तो अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म पे और मैं वापस आ चुका अपने सिटी में, और सिटी में वापस आने के बाद भैया क्या ही मज़ा आने वाला अभी। ओके गाइस, तो अभी मैं सिटी में वापस आ चुका और देखो भाई, ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ घर पे वापस, बिल्कुल से वहाँ पे जाके अपने कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, अपना लुक एकदम चेंज कर देंगे। ओके, तो अभी मैं आ चुका हूँ घर पे वापस और देखो यहाँ पे कोई हेतु नहीं है, चलो कोई भी नहीं। ओके ठीक है, अपनी कार यहीं पर पार्क कर देते, अभी सीधे भागते हुए अपने घर में जाते हैं और वहाँ पे जाएंगे, और उसके बाद में अपने कपड़े वपड़े लुक चेंज करेंगे और उसके बाद में उस बंदे को मारने के लिए निकल पड़ेंगे। और उस बंदे को आज ख़त्म करना है, मतलब करना है, क्योंकि वो बंदा बहुत खतरनाक है और बहुत ही बड़ी कोई टेररिस्ट प्लानिंग कर रहा है, सिटी में ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा है। उससे पहले उसकी प्लानिंग पूरी है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो अभी अपन एकदम रेडी हो चुके, अभी अपनी बाइक लेंगे और निकल पड़ेंगे अपने एक साथी के पास में जो अपनी हेल्प करने वाला है। उसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो उसने मुझे बोला है कि एयरपोर्ट के पीछे आ जाना, पर वो कहाँ पर छुपा है, एयरपोर्ट के पीछे कहाँ पर भाई। ठीक है, तो उसकी तरफ जाते हैं जल्दी से। ओके ठीक है, ओके आराम से जाते हैं, एयरपोर्ट के पीछे जाना है तो ठीक है, इस साइड से जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, यहाँ से जाते हैं एयरपोर्ट, ये रहा एयरपोर्ट और इसके पीछे यहीं पर वो बंदा कहीं पर रहे, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं हो कहाँ पर है। ओके गाइस, तो ये रहा गाइस वो, और इसका नाम है टेरी। टेरी जल्दी से मुझे बता दे क्या तेरे पास इन्फॉर्मेशन है। ओके ठीक है, अभी इससे पूछ लेते। टेरी जल्दी बताओ क्या इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास। जॉन विक तुम्हें मारने के लिए अंडरवर्ल्ड के लोग ढूंढ रहे हैं। उसका तुम कोई टेंशन मत लो, बस तुम मुझे बता दो वो बंदा कहाँ पर मिलेगा मुझे, जिसे मुझे मारना है। वो बंदा कल शाम को ओबेरॉय चौक में आने वाला है। ठीक है, तो मैं वहाँ पर उसे खत्म कर दूंगा। पर जॉन विक मुझे नहीं लगता कल शाम तक तुम जिंदा रह पाओगे। अरे भाई तू टेंशन मत ले, जो भी आएगा मैं सबको निपटा दूंगा, तू निकल अभी। ठीक है, मैं जाता हूँ, अगर जिंदा रहा तो मिलते हैं जॉन विक, चलता हूँ मैं अब। अरे भाई ये बंदा बड़ा डरा हुआ है मुझे लेके, पता नहीं यार क्या सीन है, क्या बहुत ही ज़्यादा लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कोई प्लानिंग वैलिंग तो नहीं बनी, क्या पता तो नहीं चल गया अंडरवर्ल्ड के डॉन को, जो मैं सिटी में वापस आ गया इसलिए ये बंदा इतना डरा हुआ है, मुझे बार बार वार्निंग दे रहा है कि बच के रहो ऐसा वैसा। ओके यहाँ पर ये क्या सीन हो रहा है, इतनी सारी गाड़ी और ये मुझे पता है अंडरवर्ल्ड के डॉन के लोग हैं। ओके बेटा, तुम लोग मुझे नहीं मार पाओगे, तुम्हारे कितने सारे साथियों को तो मैंने इससे पहले भी मारा है भाई, तुम भी मारने के लिए आ गए हो क्या। ठीक है ओके, तो तुम मुझे मारोगे ठीक है, एक एक को एक एक गोली में निपटा दूंगा बेटा। ठीक है ओके, इनको निपटाना पड़ेगा
और मुझे पता है भी इनके बहुत सारे साथी आएंगे और पुलिस भी इनका साथ देती है क्योंकि पुलिस भी इनके कंट्रोल में, तो वो भी आ जाएंगे हमें मारने के लिए। ओके, तो इनको पहले भूंजाते सभी को, ठीक है सभी मर गए, टपक गए। ओके, इस साइड में और कुछ लोग हैं, इनको भी निपटाएंगे, टेंशन नहीं, इनसे कोई डर नहीं अपने को, क्योंकि इनसे मतलब ख़तरनाक तो है पर इनको मारना इतना भी मुश्किल नहीं। बेटा तू क्या कर रहा है, मतलब तुम लोग हमें मारने के लिए आ रहे हो अभी, तू भी मतलब तू यार ये लड़की होकर आने को मार रही है अपने को। इनको पता नहीं जॉन विक को मारना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, तो ये फिर भी कोशिश कर रहे हैं। बेटा ओके, तुम दोनों मुझे पता है, तुम दोनों उनकी इस खास आदमी इसको पहले निपटा दो और बता भी तेरा बॉस कहाँ पर है, अंडरवर्ल्ड का डॉन तेरा बॉस है कहाँ पर। जॉन विक आज तेरा आखिरी दिन है, मैं नहीं आता हूँ, तू मुझे गन से मारेगा। बेटा तेरे लिए तो मेरा मुक्का है काफी, तू मुझे मारेगा बेटा, मेरा आखिरी दिन मनाएगा तेरे को तो अभी दिखा था मैं, ठीक है। एक लात में निपट गया साला और मुझे मारने के लिए आया था, अंडरवर्ल्ड के डॉन के फुसके लोग अपने को मारेंगे, अपने को इन सभी से अभी कुछ करना नहीं, अपने को उस बंदे को खत्म करना है क्योंकि वो बंदा बहुत ज़्यादा डेंजर है। ओके ठीक है, अभी निकलते, मुझे लगता है अभी देखो यार ये आ गई कैसे पुलिस वाले मुझे पकड़ने के लिए फिर से आ गए और ये मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। इनकी कोशिश करते रहेंगे, अच्छी कोशिश करते हैं पर कभी पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि जॉन विक को कोई पकड़ नहीं सकता है, इनको पता नहीं यार। ठीक है अभी यहाँ से आराम से निकल जाएंगे, पर आराम से निकलने नहीं देंगे, मुझे बहुत पीछा करेंगे मेरे कुत्ते की तरह, पर मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से जल्दी क्योंकि अभी शाम भी होने वाली है, उस बंदे को मुझे पकड़ के ख़त्म भी करना। ओके ठीक है, ये पुलिस वाले मेरा बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ेंगे, अभी ये मेरे दिमाग भी ख़राब कर रहे, अभी मैं सीधा घर पे जाना, और घर में जाके छुप जाएंगे थोड़े देर तक के लिए, उसके बाद में उस बंदे को मारने के लिए निकलेंगे। ओके तो अभी सीधे अपनी गाड़ी घर के अंदर ही घुसा देंगे, और ये पुलिस वाले अंडरवर्ल्ड के साथी ही साले मुझे पता ही है और ये मुझे पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुझे पता है। ओके ठीक है, अभी मैं घर के अंदर घुस जाता हूँ, अभी का घर में थोड़ी, अभी घर में आ गए, अबे साले दीवार तोड़ देगा मेरी, अभी इसने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। अभी मैं इनको कुछ मार नहीं रहा था, कुछ कर नहीं रहा था, इनकी रिस्पेक्ट कर रहा था पुलिस वाले इसलिए, पर अभी ये कोई नहीं बचेगा। बेटा तुम लोग मेरा घर तोड़ोगे, ठीक है अभी इनको सबको ख़त्म कर देंगे, इनको अभी कोई ज़िंदा बच नहीं सकता, अभी कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा क्योंकि इन्होंने मेरे घर में गाड़ी घुसाने कोई। ओह बेटा तू भी आ गया और मेरे घर में गाड़ियाँ घुसा रहे, बेटा ये गलत कर दिया तुमने, तुम लोगों ने ये बहुत गलत कर दिया, अभी तुम लोगों का ज़िंदा बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में, और अभी पता है सबको पता है अपने को गुस्सा आता है तो कोई जितना बचता नहीं। ठीक है बेटा, अभी साले तू कितना मारेगा, अभी साले तू मुझे मारेगा, मेरे घर में आके मुझे गोलियां मार रहा है। ओके तो देखो भैया पूरा धुआं धुआं हो चुका है, अभी उस साइड में भी बहुत सारे पुलिस वाले आ रहे हैं, उनको भी निपटाएंगे, सभी को निपटा देंगे, किसी को ज़िंदा नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहे, बहुत ही दिमाग ख़राब कर रहे हैं, और आते जा रहे हैं बहुत सारे आ रहे हैं, जितने भी आएंगे ना सभी को ख़त्म करेंगे, कोई ज़िंदा नहीं बचेगा। बेटा ठीक है निपट लो सब के सभी। ओके गाइस तो अभी मैं निकल पड़ा उस बंदे को मारने क्योंकि वो आने वाला है ओबेरॉय चौक में, और मैं इस वाले बिल्डिंग के ऊपर चला जाऊंगा और वहाँ से स्नाइपर से उसे ख़त्म कर दूंगा। बहुत ही आसान प्लान है, कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आराम से ख़त्म कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं, बहुत ही आराम से ख़त्म कर देंगे, और पता है सभी को अपना निशाना कितना पक्का होता है। ठीक है गाइस तो अभी वो आने वाला है, मुझे लगता है ये टाइम हो चुका है उसका आने का, और अभी देखो इसको इतने आराम से टपका देंगे। ओके बेटा इतने आराम से घूम रहा है, इसको पता ही नहीं कि इसको मारने के लिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और इतने आराम से घूम रहा है, पर अभी इसका टाइम ख़त्म हो चुका है और अभी ये मरने वाला है। अभी बच गया, अभी सीट मेरा निशाना मिस कैसे हो सकता है, पर कोई बात नहीं। अबे अबे ये क्या हुआ, अभी मर गया क्या, मैं ही मर गया, नहीं नहीं नहीं, नहीं ओके, इतने ऊपर से गिरने के बाद भी बच गया ये इंसान। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, पर अभी मैं ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है पर नीचे से उसको मारना बहुत ज़्यादा रिस्की भी है, पर कोई बात नहीं उसको मैं निपटा सकता हूँ, उसको मारना ही पड़ेगा क्योंकि अभी मिशन लिया है तो उसको मारना पड़ेगा, और उसको पता भी चल चुका होगा कि मैं उसे मारने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा बेटा तू मरने वाला है, तेरा टाइम ख़त्म हो चुका है, और अभी तेरे लिए ठीक ही ये वाली गोली में तू नहीं बचेगा। ओके निपट गया गाइस, इसको अपन ने ख़त्म कर दिया, पर अभी पुलिस वाले सब आ गए। ओके आ चुके हैं पुलिस वाले, मुझे पता था ये आ ही जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा इंसान है, इसको मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पर इसको आराम से निपटा दिया, और अभी स्थिति को छोड़ के निकलना पड़ेगा। और ये पुलिस वाले ओके मुझे जाने दो यार, मुझे कुछ नहीं लेना देना तुमसे, मुझे चुपचाप से जाने दो इस सिटी को छोड़ के अभी, क्योंकि अभी मैं फिर से जाने वाला अंडरग्राउंड होने, क्योंकि सिटी में बहुत सारे दुश्मन हैं अपने, और अपने को मारने के लिए ढूंढते फिर रहे अपने को, और ये पुलिस भी अपने को मारना चाहती मुझे पता है, पर अभी मुझे निकलना पड़ेगा इस सिटी से बाहर, बस मैं ज़िंदा यहाँ से बाहर निकल जाऊँ तो सब सही हो जाएगा, क्योंकि अपन ने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया, उस बंदे को ख़त्म कर दिया, अभी बस इस सिटी से बाहर निकलना ये अपना मिशन है, और मुझे लगता है मैं काफ़ी दूर तो आ चुका, और मुझे लगता है मैं सिटी से बाहर निकल जाऊँगा, बहुत ही आराम से बाहर निकल जाएंगे, टेंशन की बात नहीं। ओके तो मैं सिटी से बाहर तो आ चुका हूँ, तो शायद इस लड़की पे थोड़ा ट्राई मार के चले जाते, इसको लेकर जाते अपने साथ में। ओके तो क्या तुम हमारे साथ में चलोगी, अभी कौन है तू, दूंगी गुस्सा रख के। अरे चम्मक चलो, मैं हूँ जॉन विक, चलो मेरे साथ में। अभी शक्ल देखेंगे अपनी, सुअर जैसी शक्ल है तेरी, अभी तेरी शक्ल टट्टी जैसी है यार, ये तो अपनी बेइज्जती करी। ठीक है तो अपना मिशन कम्प्लीट हो चुका, अभी मैं अपने अंडरग्राउंड होने के लिए चले जा रहा हूँ, आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो,
और चैनल पे न्यू दे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में कोई और मिशन लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।